आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 12वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर, जो रिलेशन है हमें ये दी हुई है, और किस में, सेट ए पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में जितने सारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिफाइन की गई है, क्या की है, पी क्यू ऑर्डर पेयर सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन। मतलब इस पी पॉइंट की ओरिजन से डिस्टेंस क्यू पॉइंट की ओरिजन से डिस्टेंस के बराबर है, ये हमारी रिलेशन। अगर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो उन दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन इज सेम। शो दैट द सेट ऑफ ऑल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें शो करनी है। पहले हम इक्विवेलेंस पे करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए सॉल्यूशन, रिलेशन है वो लिख लेते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या है, पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। अब सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए हमने क्या दिखाना होता है, सबसे पहले हमने दिखाना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एनी पॉइंट ए बिलोंग टू सेट ए, ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक पॉइंट ले लिया, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ए ए बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस ए की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज दिस पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजन होगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एज डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजन, यही तो कह रहा है, दो पॉइंट हैं, अगर इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन जो भी होगी, मान लो हम 5 ले लेते हैं, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, 5, तो इक्वल हो गया। चलिए सो आर इज, सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, एक पार्ट है। सेकेंड के लिए चलिए इसको हम पार्ट में भी अगर करें, सेकेंड पार्ट में हमारे पास रिफ्लेक्सिव के बाद हम क्या दिखाते थे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए फॉर ए बी बिलोंग टू सेट ए, मतलब दो कोई पॉइंट मैंने उस प्लेन में ले लिए, अब यहाँ पे डिस्टेंस, अगर यहाँ पे इन्होंने, इसका मतलब क्या है रिलेशन में, कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओरिजन, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द ओरिजन। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस 5 है, तो इसकी भी डिस्टेंस 5 होगी, तो बी की अगर 5 होगी तो ए के भी, तो यहाँ पे होगा ही होगा, क्यों, देखिए एज इफ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजन, देन, ये बात समझ में आई कि अगर ओरिजन से इसकी डिस्टेंस, मान लो मैंने के ले लिया तो इसकी भी डिस्टेंस के होगी, तो उल्टा भी तो ऐसे होगा, तो इसकी के होगी तो इसकी भी के होगी, सो देन डिस्टेंस
of B from origin is same as distance of A from origin. ठीक है, तो R is हमारे पास क्या हो जाएगा, symmetric. R हमारा क्या हो गया, symmetric हो गया. ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में हम क्या दिखाते हैं, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में हम तीन पॉइंट लेते हैं, फॉर ए बी सी बिलोंग टू सेट ए. ठीक है, तीन पॉइंट हमने ले लिए. हमारे पास यदि ए की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैं सपोज करो 10 लेता हूँ, तो बी रिलेशन के हिसाब से, इफ ए बी बिलोंग टू आर, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर. ठीक है, इज इट क्लियर. यहां पे भी हम ये बात लिख सकते थे, इफ ए बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर को होगा. तो यहां पे अगर ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर, क्यों, कारण देते हैं, एज डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजन. डिस्टेंस ऑफ ए इसकी बी के बराबर है, एंड डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजन. मान लीजिए यहाँ पे ये ओरिजन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया. अगर ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं और बी और सी की डिस्टेंस बराबर है, तो ए और सी की डिस्टेंस भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी. ठीक है, सो देन क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन. ऐसा है तो इसका मतलब हमारे पास आर क्या हो जाएगा, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव हो गया. अब जो हमारी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी. एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर ऐसा है तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये हमने इक्विवेलेंस दिखा दिया. ठीक है, ये पहला पार्ट था हमारा. अब क्या कहता है फर्दर, इसके आगे क्या कहता है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी दैट इज नॉट ओरिजन, जीरो पे ओरिजन नहीं है, जीरो जीरो नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजन एज सेंटर. पहले मैं आपको इसको समझा दूं कि ऐसा सेट उन पॉइंटों का जो ओरिजन पे नहीं है, जीरो जीरो नहीं है, पासिंग थ्रू पी, और जो पी में से पास कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, इज द सर्कल, वो क्या होगा, सर्कल होगा सभी पॉइंटों का. देखिए इस रिलेशन के हिसाब से कोई भी पॉइंट लेंगे आप, तो वो उनकी डिस्टेंस जितनी यहाँ पे होगी
उतनी यहाँ पे होगी। मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्टेंस सबकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर सेम हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जो किस में से पास कर रहा है, P में से पास कर रहा है। चलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं इसको, ये क्या है, सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, जो पी के साथ रिलेटेड है इस रिलेशन के हिसाब से, रिलेटेड टू पॉइंट पी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, विल बी ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजन एज पी फ्रॉम द ओरिजन। समझ में आया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा ये ओरिजन है, हमने उन सभी पॉइंटों का सेट लेना है, यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, अगर ऐसे लेता हूँ पी क्यू, ऐसे लेता हूँ पी आर, पी एस, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजन फ्रॉम पी इज सेम डिस्टेंस ऑफ क्यू, तो इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, इन दोनों की, तो ये क्या बन रहा है, ये उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बन रहा है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, और यही हमारी क्या है, सर्कल की डेफिनेशन है। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पी में से तो पास कर ही रहा है, ठीक है, थ्रू पॉइंट पी विथ सेंटर एज ओरिजन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट थी, रिलेशन थी, उसी में फ्रॉम द ओरिजन से है, तो इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, ओरिजन से होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।